हेलो फ्रेंड्स, मैं नजरत आप सबका स्वागत करती हूँ रॉयल डिशेस चैनल पर। अब जो मानसून का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार मेदू वड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा, जो जल्दी और आसानी से बनता है। बातों का ख्याल रखने से मेदू वड़ा बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें। एक कप उड़द दाल, जिसको हमने एक घंटा भिगो के रखा है। एक प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटे हुए एक हरी मिर्च, 4 से 5 कड़ी पत्ता, थोड़ा धनिया पत्ता और कोकोनट के पीसेस बारीक कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार। अब हम भिगो के रखी हुई उड़द दाल को पीस लेते हैं। यहाँ पे एक जरूरी बात याद रखनी है कि हमें दाल का मिक्सचर ठीक रखना है, इसलिए दाल पीसते वक्त अगर मुश्किल हो रही हो तो सिर्फ 2 या 3 टीस्पून पानी डाल के पीस लेना है। अब हम पीसी हुई दाल को एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें डाले प्याज, करी लीव्स, धनिया पत्ता, ग्रीन चिली, कोकोनट पीसेस, और नमक स्वाद अनुसार। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मोमेंट पे मिक्सचर थोड़ा पतला लग रहा है, तो 2 से 3 टीस्पून चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें। हम एक कटोरी को कॉटन के कपड़े से कवर करके टाइटली बांध लेंगे। अब उस कपड़े पर पानी लगाकर दाल मिक्सचर को डाल लेंगे। सेंटर में एक होल बनाकर मेदू वड़ा का शेप देंगे और इसको ऑयल में डाल लेंगे। इससे मेदू वड़ा का शेप भी बना रहेगा और हाथ पे गरम ऑयल भी नहीं लगेगा। अब हमें वड़ा को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मेदू वड़ा दही के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं और कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे कोकोनट चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी तीनों ट्राई करके देखें। तो लीजिए, अब हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी वड़ा बिल्कुल तैयार है। मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।